ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी की है। हालांकि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल चुनौती देने वाले अपीलों को सुनवाई कर रहे हैं। मंदिर पक्ष का कहना है कि जिला जज के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। 5 मई की सुनवाई में पीठ ने कहा था कि 1993 तक जिसका कब्जा था ये तय हो जाए तो फैसला हो जाएगा। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बहस की। वैद्यनाथन ने तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है जहां पर हिंदू साल 1993 तक पूजा कर रहे थे। ऑर्डर 40 रूल 1 CPC के तहत वाराणसी कोर्ट ने DM को रिसीवर नियुक्त किया। ये फैसला किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता था। देखिए, एक तो राकेश सिंह जो मूल हम लोगों का वाद है जिसमें SI सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है उसका मामला है, उस पर आज सुनवाई होनी है। दूसरा शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास जी का मामला है जिनके आदेश पर 31 जनवरी को जिला कोर्ट ने जो तहखाने में पूजा पाठ वगैरह शुरू करवाया था उस संदर्भ में जो है यहाँ सुनवाई होनी है। तो व्यास जी के तहखाने के संदर्भ में जो 15 दिन का एक प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन पड़ा है अंजुमन इंतजामिया की तरफ से, जिसमें मांग किया गया है कि जो ये जब तक सारे डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटी पूरा ना हो जाए तब तक, जो चूँकि हाईकोर्ट भी हम लोग को जाना है, हाईकोर्ट चले भी गए हैं लेकिन उस संदर्भ में वो दिए थे एक प्रार्थना पत्र कि ये 15 दिन इसको और भी टाला जाए, इसको रोका जाए, इस पर सुनवाई ना हो या कार्रवाई ना हो, जो पूजा पाठ वगैरह शुरू हुआ है इसको रोका जाए और 15 दिन बाद जो है इस संदर्भ में सुनवाई होनी है।